जय श्री कृष्ण। मित्रों, देव पूजा में पंचदेव पूजा सर्वप्रथम की जाती है, जिसमें भगवान श्री गणपति की पूजा के उपरांत भगवती गौरी का पूजन किया जाता है। भगवती गौरी के पूजन में किस प्रकार के पत्र और पुष्प चढ़ाए जाएं, किस प्रकार के पत्र और पुष्प नहीं चढ़ाए जाएं, इस पर विचार करना अति आवश्यक है। तो हम इस वीडियो में शास्त्र में जो उद्धृत श्लोक हैं उनके आधार पर बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार के पत्र और पुष्प भगवती गौरी को प्रिय हैं। पारिजात में कहा गया है कि यानि पुष्पाणि चोक्तानि शंकरस्यार्चने पुरा तानि गौर्यः प्रशस्तानि त्वपामार्गो विशेषतः शिवार्चनैः निषिद्धानि पत्रपुष्पफलानि च तानि देव्यः प्रशस्तानि अनुक्तानि विशेषतः। अर्थात भगवान शंकर की पूजा में जो पत्र और पुष्प विहित हैं अर्थात चढ़ाए जाते हैं, वे सभी भगवती गौरी को भी अति प्रिय हैं। अपामार्ग उन्हें विशेष प्रिय है। भगवान शंकर पर चढ़ाने के लिए जिन फूलों का निषेध है अर्थात जिन फूलों को नहीं चढ़ाया जाता है, वे फूल भी भगवती माता को चढ़ाए जाते हैं। साथ ही पारिजात में एक अन्य श्लोक का उदाहरण है कि नित्यं गौर्यः प्रशस्तानि रक्तपुष्पाणि सर्वदा शुक्लान्यपि च सर्वाणि गंधवन्ति स्मृतानि वै। अर्थात जितने लाल फूल हैं वे सभी भगवती को प्रिय हैं, अभीष्ट हैं, तथा जितने भी सुगंधित श्वेत पुष्प हैं वो भी भगवती माता को विशेष प्रिय है। आचार भूषण में ये लिखा गया है कि ऋतुकालोद्भवै पुष्पैर्मल्लिका जाति कुंकुमै सितरक्तैश्च कुसुमैस्तथा पद्मैश्च पाण्डुरै किंसुकैस्तग्गरैश्चैव किंकिरातैः सचम्पकैः बकुलैश्चैव मन्दारैः कुन्दपुष्पैस्ति रीटकैः करवीरार्क पुष्पैश्च सिंशुपैश्च पराजितैः। अर्थात बेला, चमेली, केसर, श्वेत और लाल फूल, श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलसिरी, मदार, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम तथा अपराजित, जिसे शंखपुष्पी के नाम से भी जाना जाता है, आदि के फूलों से भगवती देवी का भी पूजन किया जाता है। साता तप के अनुसार इन फूलों में जो आक और मदार है, ये जो दो फूल हैं, इनका निषेध प्राप्त होता है। अतः ये दोनों जो विहित भी हैं और प्रतिषिद्ध भी हैं, जब अन्य विहित फूल न मिले तब इन दोनों का उपयोग करना चाहिए। दुर्गा से भिन्न देवियों पर इन दोनों को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, किंतु इन दोनों को दुर्गा जी पर चढ़ाया जा सकता है क्योंकि दुर्गा की पूजा में इन दोनों का विधान है। आचार इंदु में यह कहा गया है कि मल्लिका मुत्पलम पुष्पम शमीम पुन्नाग चंपकम अशोकम कर्णिकारम च द्रोण पुष्पम विशेषतः। अर्थात शमी, अशोक, कर्णिकार अर्थात जिसे कनियार या अमलतास का फूल कहते हैं, गुमा, दोपहरिया, अगस्त्य, मदन, सिंधुवार, शल्लकी, माधवी जो आदि लताएं हैं, कुश की मंजरियां, बिल्वपत्र, केवड़ा, कदंब, भटकटैया, कमल, ये फूल माता भगवती को अति प्रिय हैं। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि माता भगवती देवी को किस प्रकार के पत्र पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर हम बात करें आक और मदार की, तो आक और मदार देवी को नहीं चढ़ाने चाहिए। तो आग और मदार की तरह ही दूर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरैया और तमाल जो विहित हैं और प्रतिषिद्ध भी हैं, अर्थात इन्हें चढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी चढ़ा सकते हैं। विहित और प्रतिषिद्ध के संबंध में तत्वसागर संहिता का यह कथन है कि जब शास्त्रों से विहित फूल न मिल पाए तो
तो विहित प्रतिषिद्ध फूलों से माता की पूजा करनी चाहिए। अर्थात माता की पूजा करने में किसी भी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं, बस ध्यान रखा जाए कि आक और मदार का पुष्प अगर उपलब्ध है और अन्य पुष्प उपलब्ध नहीं है तभी ही उनका उपयोग किया जाना चाहिए। मित्रों, ऐसा है, इस संबंध में जो आपको जानकारी प्राप्त हुई है वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ऐसे ही वीडियो लेके हम आएंगे कि भगवान शिव के पूजन के लिए किस प्रकार के पत्र और पुष्प विहित हैं और किस प्रकार के पत्र और पुष्प प्रतिषिद्ध हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।